जींद उपचुनाव के प्रचार के लिए जींद पहुंची हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने रणदीप सुरजेवाला पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वे विधायक होते हुए उपचुनाव लड़ रहे हैं, अगर वे किसी भी तरह से ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो वे साफ करें कि वे जींद में एक बार फिर उपचुनाव करवाना चाहते हैं या कैथल में। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि विधायक होते हुए जींद में चुनाव लड़ने क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने 4.5 साल के कार्यकाल में केवल 6 बार विधानसभा में भागीदारी की है और वह भी केवल आधे घंटे के लिए विधानसभा में आए और बगैर कोई मुद्दा उठाए हाजिरी लगाकर चलते बने। कविता जैन ने इनेलो और जेजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी केवल अपने परिवार को स्थापित करने के लिए दो फाड़ हुई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में यहाँ से इनेलो के विधायक रहे थे और कुछ ही 2 योजनाओं में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, लेकिन जींद का क्या पूरे प्रदेश का कोई भी विकास किया नहीं है, जबकि भाजपा पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जींद की जनता भाजपा को जीत दिलाएगी। क्योंकि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने आज जो कैंडिडेट जींद को दिया है वो कैंडिडेट वर्तमान में कैथल से विधायक हैं, तो एक तरह से ये दोनों जिलों की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज़ यहाँ से, वैसे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम ये सोचें सपोज़ जींद से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो कैथल का क्या वहाँ रिज़ाइन करेंगे, क्या फिर वहाँ से बाय इलेक्शन कराना चाहेंगे वो, तो वो दोनों एरिया में धोखा रखने की बात है। हमारी जितनी भी सीटिंग हुई वो मुश्किल से 6-7 सीटिंग में आए हैं और मुश्किल से आधा घंटा से ज़्यादा कभी नहीं रुके, ना कैथल के लिए बात रखी कभी, ना केवल हरियाणा के किसी हित की बात रखी, ना कभी किसानों की बात रखी, ना व्यापारी की बात रखी, ना किसी की भी बात रखी। तो मैं समझती हूँ ऐसे नेता को तो ना केवल जींद जिले से बल्कि हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि जींद में तो लंबे समय तक उन्हीं की सत्ता रही है। पिछले 10 साल कांग्रेस का राज रहा प्रदेश के अंदर। ये सुरजेवाला जी पहले मंत्री रहे, बगल में कैथल से, नरवाणा से इनके पिताजी भी मंत्री रहे, सारे भारी भरकम महकमे इनके पास थे। इनेलो का हमेशा से ही यहाँ से कैंडिडेट विन होकर रहा, इनकी सत्ता रही, लेकिन जिस तरह से जींद के साथ भेदभाव किया, और हमारे पास केवल 4 साल का समय हमें मिला है, लेकिन आज 4 साल के इस कार्यकाल में आज लोगों की जुबान पर है कि चाहे 10% चाहे 20% आज काम शुरू हुए हैं, हम एक पॉजिटिव विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो